सर सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैनिक थी। मेरी फ़्लाइट जैसी ही वहाँ से उड़ी थी उसके 5-6 घंटे बाद सर कीवी एयरपोर्ट पे हमला हुआ था। आज मेरे दोस्त से मेरी बात हुई थी अभी जस्ट, तो सर वो बंकर में है वहाँ पे। जैसे मैं वहाँ से डिपार्ट हुआ तब वहाँ पे अटैक्स होने शुरू हुए। यूक्रेन में हजारों भारतीय छात्र अभी भी वार जोन में फंसे हुए हैं, लेकिन कई ऐसे खुशकिस्मत छात्र भी हैं जो भारत वापस लौटने में कामयाब रहे हैं। मेरठ के आदर्श नगर में रहने वाले आधार रस्तोगी यूक्रेन से सुरक्षित वापस लौटने में कामयाब रहे हैं। आधार रस्तोगी की माने तो सरकार की समय से मिली एडवाइजरी ने ही उन्हें बचा लिया। मैं इवानो में था जो पूरा वेस्टर्न साइड में आता है, तो वहाँ पे बिल्कुल काम एटमॉस्फेयर था, जो भी कुछ हो रहा था वो ईस्टर्न साइड में हो रहा था। तो बाद जब जैसे वहाँ पे ईस्टर्न साइड में जब वहाँ के कुछ स्टेट्स को अलग कंट्रीज में बना दिया गया है, तो फिर यहाँ पे पेरेंट्स से रेगुलर कांटेक्ट में था तो वो बता रहे थे, तो फिर वहाँ पे फिर थोड़ा डर सा लगने लगा। तो फिर उसके बाद बात हुई वहाँ के जिनके थ्रू मैं गया था, उन्होंने फिर हमारी क्लासेस को ऑनलाइन में शिफ्ट करवाया। फिर उसके बाद हम आए यहाँ पे 24th को, मैं आया 24th of February मॉर्निंग को। हाँ, वहाँ पे बिल्कुल काम एटमॉस्फेयर था, और जब तक मैं था वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जैसी मैं वहाँ से, मेरी लास्ट फ्लाइट थी, जैसे मैं वहाँ से डिपार्ट हुआ तब वहाँ पे अटैक्स होने शुरू हुए। कितने बच्चे थे और कितने बच्चे अभी वापस आ गए हैं, कितने वापस आ गए? अभी वहाँ मेरे टोटल मेरे साथ अप्रॉक्स 150 के अराउंड स्टूडेंट्स थे, और अभी वहाँ पे अप्रॉक्स 100 के करीब हैं जहाँ पे मैं रहता था प्राइवेट हॉस्टल। अभी वैसे तो ओवरऑल आप लगाओ तो वो तो ज़्यादा ही बच्चे बैठेंगे, अप्रॉक्स 1000-2000 के अराउंड बैठेंगे बच्चे टोटल। सरकार भी हर तरीके से मदद, हाँ स्टूडेंट्स की और वहाँ फंसे लोगों की, हाँ उन्होंने एडवाइजरी, किस तरीके से मदद मिली वहाँ? उन्होंने एडवाइजरी से जादू कर दी थी कि निकल जाइए वहाँ से। मतलब जैसे ईस्टर्न साइड में पहले था तो वहाँ के लिए कह दिया गया था स्टूडेंट्स लेके निकल जाएँ, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ प्राइजेस के हिसाब से भी रुक रहे थे, टिकट्स के प्राइजेस। फिर बाद में धीरे धीरे पूरे यूक्रेन के लिए कह दिया गया था, उन्होंने टाइमली कह दिया था, वो स्टूडेंट्स के पता कि वो निकले ना निकले वो उनके ऊपर कह दिया था। वहीं यूक्रेन से वापस लौटने रस्तोगी परिवार के घर में खुशी का माहौल है। वहीं आधार के पिता ने सरकार सहित एजेंसी का भी शुक्रिया अदा किया है। जिन कंपनी के थ्रू ये गया था, यूरेशिया कंपनी है दिल्ली 12 रोड पे, उनके जो CEO डॉक्टर MA Chaudhary, वो बच्चों का इतना ख्याल रखते थे जैसे शायद माँ बाप भी उतना नहीं रख सकते जितना उन्होंने उस ख्याल रखा। और उन्होंने बच्चों को टिकट वगैरह सारा अरेंज करके दिया कि बेटा आप किस दिन जाना चाहते हो। तो पहले इसका ये था कि मैं 25 को जाऊंगा, बोले फिर बाद में मेरे से बात हुई तो बोला, मैंने कहा बेटा जल्दी आ जाओ, तो इसने उनको बोला कि सर मैं 23 को जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने 23 का इसका टिकट करा के दिया। और ये जैसे ही ये 23 का टिकट गया, और इनको छोड़ने भी वही लोग गए, डॉक्टर मशहूर जो है यूरेशिया कंपनी के CEO, वो बच्चों को सेफली वहाँ एयरपोर्ट छोड़ के आए हैं, बिठा के आए हैं सीट पर। और उन्होंने मेन रोल, मतलब फादर से ज़्यादा मेन रोल उन्होंने अदा किया। और गवर्नमेंट ने तो, जो गवर्नमेंट को ये वाली बात थी कि गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी जारी हुई, तो गवर्नमेंट ने यूक्रेनियन गवर्नमेंट को एडवाइजरी दी कि भाई आप इन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस करें जिससे ये बच्चे अपने घर जा सकें। वहीं रामपुर के संजय दत्त शर्मा यूक्रेन से वापस लौटने में कामयाब रहा है। संजय दत्त शर्मा ने बताया है कि उनकी फ्लाइट के निकलने के बाद यूक्रेन में हमला हो गया। सर 23 को मेरी फ्लाइट थी, फ्लाइट शाम 7 बजे। उसके बाद सर बाकी जो फ़्लाइट थी वो डिले हो चुकी थी बहुत सारी, लेकिन सर फिर उसके बाद मेरी फ़्लाइट जैसी वहाँ से उड़ी थी उसके 5-6 घंटे बाद सर कीवी एयरपोर्ट पे हमला हुआ था। एंड सर विनिसा शहर जो मेरा है वहाँ भी सर सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैनिक थी। सर वहाँ पे क्या हुआ था कि जो मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, जो अभी भी ये वहाँ पे हैं, अभी वहाँ रह गए हैं, सर उनका यही था कि हम जैसे तैसे घर निकल जाएं। इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी भी जारी की थी। सर सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैनिक थी। सर आज मेरे दोस्त से मेरी बात हुई थी अभी जस्ट, तो सर वो बंकर में है वहाँ पे। वहाँ पे आज सुबह एक केमिकल अटैक हुआ है मेरे शहर वहाँ पे बिनिसा में। उस केमिकल अटैक से एक सायरन हुआ था, उस सायरन से सारे लोग बंकर में आज छुप गए थे।
अभी उन्हें जस्ट एक घंटे पहले बाहर एक सायरन द्वारा मतलब हुआ था, बाहर उन्हें निकाला है। लेकिन सर काफ़ी लोग बहुत डरे हुए हैं क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि जो पास की चार कंट्री हैं पोलैंड एंड रोमानिया हंगरी, आप वहाँ जाओ, वहाँ जाने के बाद इंडियन एक ट्रांसपोर्ट का मतलब वहाँ पे एक इंतज़ाम हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट के द्वारा आप वहाँ देश जा सको। लेकिन सर सबसे बड़ी समस्या ये है, जिस शहर से मैं हूँ वो शहर सर बीच में पड़ता है यूक्रेन के, तो वहाँ से बॉर्डर सर 700-800 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। जो बच्चे घर लौट गए हैं उनके परिवार में जश्न का माहौल है, लेकिन जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी सांसें अटकी हुई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल और रामपुर से रवि की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।